पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज ऐसी नहीं है जो सदा सदा के लिए हमारा साथ दे या हमारे साथ रहे, किंतु जो सदैव के लिए हमारे जीवन के इतिहास में दर्ज हो जाता है वो है हमारे कर्म और उनसे जुड़े प्रारब्ध, उनसे जुड़े कर्मफल, जो अगर अच्छा हो तो जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता और अगर बुरा हो तो भी जन्मों जन्मों तक साथ ही चलता है। एक राज्य में बड़े ही धर्मी राजा का राज्य था। वहीं महल में एक मंदिर था और उस राज्य का राजकुमार प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने, आरती करने जाया करता था। उस पर भगवान की बड़ी महती कृपा थी। मंदिर के पुजारी से राजा ने राजकुमार के विवाह की बात रखी कि कोई सुकन्या हो तो इनका विवाह कराया जाए। भगवान की कृपा से उस राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि को ही जब राजकुमारी कक्ष में आई तो उसने अपने पति को सोता हुआ पाया। उसने देखा कि राजकुमार के सिरहाने के पास बड़ी ही सुंदर रत्नजड़ित मियान में तलवार रखी है। राजकुमारी ने वो तलवार को उठाकर मियान से बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला तलवार से टकराकर वापस आते प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गईं और तलवार हाथ से छूट गई। तलवार हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। अब कक्ष में चारों ओर खून ही खून देखकर राजकुमारी डर गई और चिल्लाई, पर साथ में उसे सजा होने का भी डर था। शीघ्र ही महल के रक्षक कक्ष में आ पहुंचे। उन्होंने देखा राजकुमारी की मृत्यु हो चुकी है और राजकुमारी बड़ी जोर जोर से रो रही है। राजकुमारी से पूछा, यह कैसे हुआ, किसने किया? सजा हो जाने के डर से उसने झूठ बोल दिया। बोली, मैं कक्ष में आई तो कोई उनको मारकर भाग रहा था। पूछा, कौन था वह, कहाँ गया? सामने खिड़की की ओर इशारा कर दिया, इस ओर भाग कर गया है। सभी सैनिक उस ओर हत्यारे की खोज में निकल पड़े। रात्रि का समय था तो बड़ा ढूंढने पर भी आसपास कोई दिखाई ना पड़ा। महल के मंदिर के बाहर पुजारी जी खड़े थे। उनसे पूछा गया, क्या आपने किसी को यहाँ से भागते देखा? पुजारी जी ने भी मना कर दिया। राजकुमारी को बताया गया कि इस ओर तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, बस पुजारी जी मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। राजकुमारी बहुत अधिक डरी हुई थी कि अगर राजा को ये पता चल गया कि मेरे हाथों राजकुमार की मृत्यु हुई है तो वो तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे। इस डर से राजकुमारी ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने जिसे भागते हुए देखा था वो पुजारी जी जैसा ही लग रहा था, शायद पुजारी जी ही थे। पुजारी जी को राजा के दरबार में लाया गया। उनसे पूछा गया, राजकुमार को क्यों मारा? पर पुजारी जी ने तो राजकुमार को मारा ही नहीं था, तो वे कैसे मान लेते? उन्होंने मना कर दिया, मैंने नहीं मारा। राजा बोला, हमारी बहू झूठ नहीं बोलेगी, तुमने ही हमारे पुत्र की हत्या की है। एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड देकर मैं ब्राह्मण हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता, पर तुम्हें दंड तो देना पड़ेगा। तो राजा ने पुजारी जी के दोनों हाथ कटवा दिए, जिससे पुजारी जी को कष्ट पीड़ा तो हुई ही, साथ ही अपमान भी हुआ, क्योंकि अब पूजा पाठ कर्मकांड आदि करने को उनके पास हाथ ही नहीं है। पुजारी जी सोचते रह गए, ये मुझे किस अपराध का दंड मिला है? यही प्रश्न लेके वे कई दिन राज्य में भटकते रहे। कई महान विद्वान लोगों से मिले, मुझे किस कर्म का फल आखिर इस तरह भुगतना पड़ रहा है? अंत में उन्हें एक सज्जन मिले, बताया, काशी में एक महान पंडित रहते हैं, वे हमारे पिछले कई जन्मों के विषय में बता सकते हैं। तो बस पुजारी जी उनका नाम पता लेकर उनके घर आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है? पंडित जी की पत्नी ने दरवाजा खोला, उनसे पूछा,
हाँ जी क्या बात है? पुजारी जी ने बताया कि पंडित जी के बारे में बहुत सुना है, बड़े ज्ञानी हैं, उनसे अपने विषय में कुछ जानने की आशा लेकर आए हैं। जैसे ही पंडित जी की पत्नी ने यह सुना, वापिस से बाहर हो गई और पंडित जी को गालियां देना शुरू कर दी। अरे कुछ पंडित वंडित नहीं है, ऐसे ही बेवकूफ बनाता है सबको, न जाने लोग कहाँ कहाँ से इनकी बातों में चले आते हैं, कुछ भी तो जानता नहीं है, लोगों ने हवा बना रखी है। अरे ढोंगी है ढोंगी, खूब गालियां दी। पुजारी जी ने सोचा, सुना तो कुछ और ही था इनके बारे में, पर यहाँ आकर तो मामला कुछ उल्टा ही लग रहा है। सोचा यहाँ से कोई फायदा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पर इतनी दूर आए हैं तो पंडित जी से मिल के ही चलते हैं, देखे तो प्रत्यक्ष कैसे हैं, एक बार मिल ही लेते हैं। वे घर में अंदर बैठकर पंडित जी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी आए। पंडित जी को देखते ही उनकी पत्नी ने उन्हें फिर गालियां, उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वे आए, पुजारी जी से मिले। पुजारी जी बोले, प्रभु हमने तो आपके विषय में सुना था कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, भूत भविष्य भी देख लेते हैं, पर यहाँ आके तो कुछ और ही नज़ारा देखा। अब हमारे विषय में तो हम बाद में देखेंगे, आप अपने विषय में बताएं, इतना ज्ञानी होते हुए भी आपका विवाह ऐसी स्त्री से जो आपको इतनी गाली देती है, और फिर भी आप उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, इतने शांत कैसे? पंडित जी मुस्कुराए, उन्होंने अपने विषय में बताना आरंभ किया। मैं पिछले जन्म में एक कौआ था, और ये जिसको तुम मेरी पत्नी के रूप में देख रहे हो, एक गधी थी। यही काशी में गंगा घाट पर ये विचरण कर रही थी। इसकी पीठ पर बीचों बीच एक छोटा सा घाव था, उस घाव पर मेरी नज़र पड़ी तो इसकी पीठ के घाव से मांस निकालकर खाने के लालच में मैं इसके पास पहुंचा और इतनी ज़ोर से इसके घाव में चोंच मारी कि मेरी चोंच इसकी रीढ़ की हड्डी में जा गड़ी। चोंच रीढ़ की हड्डी में गड़ने से इसको असहनीय पीड़ा हुई, ये झटपटाई, इधर उधर दौड़ी और अंत में अपनी जान बचाने के लिए ये सोचकर कि मैं अपनी चोंच इसकी हड्डी से बाहर निकाल लूँ, इसने गंगा में छलांग लगा दी। मैंने इसको इतनी ज़ोर से चोंच मारी थी कि मेरी चोंच रीढ़ की हड्डी में इतनी अंदर तक गड़ी कि मैं उसको निकाल ही नहीं पाया, मेरी चोंच यूं ही फंसी रह गई। कुछ समय बाद गंगा में डूबने से हम दोनों के प्राण निकल गए। इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनकर आई है, पूर्व जन्म में मैंने इसे अपनी चोंच से पीड़ा दी थी, उसी प्रकार इस जन्म में ये मुझे अपने मुख से भला बुरा बोलकर, मुझे गालियां देकर मेरे कर्म का दंड मुझे दे रही है। मैं शांत इसीलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जो पीड़ा इसे मेरे चोंच मारने पर हुई होगी, उसके सामने तो इसके द्वारा दी गई ये पीड़ा कुछ भी नहीं, शायद मेरे पाप का भार ही कुछ कम हो जाए। ऐसा सुनकर पुजारी जी के मन का संदेह दूर हो गया, वे समझ गए ये वाकई बड़े ज्ञानी और महान पुरुष हैं। अब उन्होंने पंडित जी से अपने विषय में पूछा, मुझे किस अपराध का दंड इस रूप में मिला है? पंडित जी ने उन्हें बताना आरंभ किया, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का फल इस रूप में मिला है। तुम्हारे किसी एक पूर्व जन्म की बात है, एक कसाई गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, गाय अपनी जान बचाकर भाग रही थी, अंततः कसाई ने उस गाय को पकड़ा और गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वो कसाई अपने इस जन्म में राजकुमार बना जिसकी हत्या का दोष तुम्हारे सिर लगा है, और वो गाय ही राजकुमारी का रूप लेकर पैदा हुई, जिससे अपने अपने प्रारब्ध के कारण जब पिछले जन्म में कसाई ने गाय की हत्या की थी तो इस जन्म में राजकुमारी के हाथों राजकुमार की मृत्यु हुई। पुजारी जी ने पूछा, किंतु इस सब में मेरा क्या दोष? पंडित जी बोले, बताता हूँ, जब कसाई गाय को मारने उसके पीछे दौड़ रहा था और गाय उसकी आंखों से ओझल हो गई, तुम वहीं वृक्ष की छाँव में बैठे विश्राम कर रहे थे, कसाई ने तुमसे पूछा, यहाँ एक गाय दौड़ती हुई आई थी, कहाँ गई? कसाई के एक हाथ में खंजर देखकर भी
ये जानते हुए भी कि वो गाय को मारने जा रहा है, तुमने अपने हाथों से दिशा दिखाई, हाथों से इशारा किया और उसे बताया कि गाय किस ओर गई है। तुम्हारे कारण ही उस गाय की हत्या हुई और इस जन्म में दिशा दिखाने वाले तुम्हारे उन हाथों को कटना पड़ा और तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ी। ये सब सुनते ही पुजारी जी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। वे फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं, साथ ही मन में गिलानी है, अरे मेरी वजह से गौ माता की हत्या हुई। इस अपराध के सामने तो ये छोटा सा दंड कुछ भी नहीं है। उनके मन में अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद संतुष्टि है, दिव्य आभास है। वे पंडित जी को धन्यवाद करते हैं, उनसे विदा लेते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।